हे गाइस, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसे बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। फर्स्ट, इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। सेकेंड, मैं बात बताऊँगी कि आपके लिए कौन सा मास्क बेटर है, आप जो मास्क पहनते वो आपके लिए सही है कि नहीं। थर्ड, मैं बताऊँगी कि मास्क को किस तरह से पहनना चाहिए। और फोर्थ, मैं बताऊँगी कि मास्क को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोरोना वायरस का सेकेंड वेव इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप उसे दो ही तरीके से बच सकते हैं। फर्स्ट कि आप मास्क लगाएं, सेकेंड आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये दो तरीके अपना के आप बाहर भी सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है। कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो पेशेंट होते हैं वो जब छींकते हैं या खांसते हैं, क्योंकि जनरली कोरोना वायरस में सिम्टम्स देखा गया है कि पेशेंट को तेज बुखार रहता है, खांसी रहती है, सूखी खांसी रहती है, खांसी आती है। तो जब वो खांसते हैं या छींकते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स सतह पे गिर जाते हैं या कुछ एयर्स में ट्रैवल कर लेते हैं। अगर वो ड्रॉपलेट सामने वाले पर्सन के कनेक्ट में आ गया तो वो सामने वाले पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है, इसे आप सामने वाले को कोरोना पेशेंट होने से बचा सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकते हैं। तो मास्क ज़रूर पहने। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा मास्क सही है, कौन सा मास्क सही नहीं है। मैं ऐसे कोई भी बात नहीं बताऊंगी, ना मैं कोई आप लोग को थ्योरी दिखाऊंगी, ना कोई बुक्स करूँगी, ना मैं कोई रिसर्च का बात करूँगी। आज मैं मास्क की टेस्टिंग करूँगी, मैं आपको लाइव टेस्टिंग दिखाती हूँ कि कौन सा मास्क। बाजार में बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो कपड़े वाला मास्क हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो डबल मास्किंग हो। डबल मास्किंग के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मास्क की टेस्टिंग। सबसे पहले मेरे पास है ये सर्जिकल मास्क। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये सर्जिकल मास्क की। तो सबसे पहले मैं इसे पहन लेती हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। ये देखिए, और ये जनरली ये देखिए कि 3 लेयर्स में आती है, ठीक है। मेरे सारे तरफ बंद है लिए। अब मैंने लिया एक मोमबत्ती, ये देखिए, और इसे मैं और इस मोमबत्ती को मैं मास्क लगा के फूंक मारूंगी। अगर ये बुझ गया तो ये मास्क सही नहीं है, अगर ये ना बुझा तो ये मास्क आपके लिए बिल्कुल सही है। ये सारे टेस्टिंग आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये पहली बार में ही बुझ गया, यानी ये मास्क इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए इसे मैं निकाल देती हूँ, टेस्ट करते हैं अपने सेकेंड मास्क को। सेकेंड मास्क है ये कपड़े वाला मास्क, जो ये देखिए मैंने सभी तरफ से लॉक कर लिया है। वापस से मैंने ये कैंडल लिया है, इसका फ्लेम ज़रूर हिला, इसका फ्लेम ज़रूर हिला, लेकिन ये बुझा। तो बात ये है कि कुछ हद तक ये मास्क इफेक्टिव है। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपने थर्ड मास्क को। तो थर्ड मास्क है ये N95 मास्क, आप देख सकते हैं। चलिए इसे मैं पहन लेती हूँ, वापस से मैंने ये कैंडल लिया है, ये इसका फ्लेम भी नहीं हिला, यानी ये मास्क सेकेंड वेव के लिए बहुत ही अच्छा मास्क है। आप इसे कैरी ज़रूर कीजिए घर, जब भी घर से बाहर निकले तो। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल मास्क की, वो क्या होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के लिए हमारे लिए थ्री लेयर काफ़ी नहीं है, हमें 6 लेयर की ज़रूरत है। तो हम 6 लेयर घर पर ही बना सकते हैं। तो सिंपल सा हम ये कपड़े का मास्क, सॉरी, हम ये सर्जिकल मास्क फर्स्ट में पहन लेंगे, इसके ऊपर हम ये कपड़े का मास्क पहन लेंगे। भाई हो गई ये डबल मास्किंग, इसे ही हम डबल मास्क कहते हैं। फिर भी हम टेस्ट जरूर करेंगे। तो वापस से मैंने लिया कैंडल, ये देखिए इसका फ्लेम भी नहीं हिला, मतलब हमने जो सिंपल सर्जिकल मास्क पहना था उससे मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई थी। कपड़े वाला मास्क पहना था तो उससे फ्लेम हिली थी, लेकिन जब हमने दोनों मास्क पहना यानी हमने डबल मास्किंग की तो कैंडल का ना तो फ्लेम हिला ना तो वो बुझी। यानी डबल मास्क और N95 मास्क हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मास्क को किस तरह से हम पहने। सिंपल है, तो मास्क को पहनने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज कर लीजिए या हैंड को हैंड वॉश कर लीजिए। तो हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद लीजिए डबल मास्क या N95 मास्क और इसे आप इस तरह से पहन लीजिए। ये देखिए, जनरली होता क्या है कि लोग ऐसे मास्क पहनते हैं जिससे उसके नाक खुले रहते हैं,
ये बिल्कुल गलत तरीका है। सेकंड, ये ऐसे पहन लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। थर्ड, इसे और नीचे कर लेते हैं ताकि हमें सुनने में ज़्यादा आसानी हो, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, है कि आप इस तरह से मास्क को पहनें जिससे ये वाले पोर्शन पूरी तरह से कवर रहे, कहीं से भी इसमें कोई भी ड्रॉपलेट्स आने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। ये बिल्कुल सही तरीका है, आप ऐसे ऐसे या ऐसे मास्क बिल्कुल ना पहने। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मास्क को डिस्पोज कैसे करें। मास्क को डिस्पोज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथ को हैंड वॉश कर लें या हाथों को सैनिटाइज कर लें। सिंपल से ये वाले जो फीता होता है या लेस होता है उसे आप निकालें। ऐसे नहीं, ये वाले पोर्शन को आपको टच नहीं करना है। वाले पोर्शन में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, चाहे वो कोरोना वायरस के नहीं भी हो, बाहर के डस्ट वगैरह बहुत कुछ होते हैं। ये वाले पोर्शन को आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी टच ना करें, इस लेस से पकड़े और सिंपल से आप इसे डस्टबिन में डाल दें। तो ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा, आपके लिए यूजफुल हो, कुछ तो हेल्प ज़रूर किया होगा आपको अपने मास्क को टेस्टिंग करने के लिए। अगर किया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम जितनी अच्छी बातें फैला सकते हैं उतना फैलाएं, जितनी पॉजिटिविटी हम सर्कुलेट कर सकते हैं उतना सर्कुलेट करें। नेगेटिव बातों से दूर रहें, पॉजिटिव चीज़ सोचिए, पॉजिटिव वे रखिए, इस एटीट्यूड से आप कोरोना वायरस जरूर जीत सकते हैं। सो आई होप गाइज आप सेफ हैं, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी एट होम। घर से बाहर बहुत ज़रूरी है, तभी निकले। बाय बाय।